हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई रियली होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हो गई है मंडे मॉर्निंग, हार्दिक के पापा चले गए हैं स्कूल और ये देखिए हार्दिक यहाँ पे सो रही है। तो मैं काम कर रही थी तो उसकी आवाज़ से वो उठ के बाहर आ गई और फिर दूध वूध पी लिया तो मुझे लगा कि उठ जाएगी, पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लेटी थी तो यहीं लेटे लेटे वापस से सो गई। और आजकल ना धूप भी नहीं निकल रही है हमारे यहाँ, 2-3 दिनों से बहुत ही कोहरा छाया रहता है। तो अभी 9:30 बज रहे हैं पर लग रहा है अभी सुबह के 6-7 बज रहे हो, ऐसा माहौल लग रहा है बाहर, बिल्कुल ही कोहरा छाया हुआ है, बिल्कुल मतलब सूरज ही नहीं निकला तो दिन निकला ही नहीं है ऐसा लग रहा है। तो अभी तो मैं उसको सोने देती हूँ जब तक कि उसे सोना है, क्योंकि फिर वैसे भी उठा के क्या फ़ायदा, बाहर खराब मौसम है और यहाँ से वहाँ से घूमती रहेगी, खामखा की हवा लग जाएगी, तो उससे अच्छा है सोने ही देती हूँ। और वैसे भी आज उसके ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी नहीं है और होमवर्क करना है और टेस्ट की तैयारी करनी है, उसके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, तो फिर वो तो उसको उठाने के बाद में मैं करा ही दूँगी। और तब तक की जो है मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ और कपड़े मशीन में धुलने को डाले हैं और बस अभी झाड़ू पोछा लगाऊंगी तो मेरा भी काम ख़त्म हो जाएगा। तब तक ये उठ जाएगी तो उसको भी रेडी कर दूंगी। तो चलिए अब ये सो रही है, तब तक कि मैं फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ ताकि इसके उठने के बाद में इसको होमवर्क वगैरह करवा सकूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं जो है हार्दी के लिए आलू का पराठा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे उसे ठंडा पराठा वगैरह देना पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा स्टफिंग जो है वो मैंने रात को बचा के रख दिया था। तो अभी मैं उसे आलू पराठा बना दूंगी तो उसका नाश्ता हो जाएगा। और साथ ही साथ में देखिए दाल चावल वगैरह भी रख दिए हैं और सब्ज़ी वगैरह निकाल ली है, तो उसके बाद में जो है मैं लंच बनाने की तैयारी करूंगी। तो ये बनके तैयार हो गया हार्दिक का नाश्ता। और यहाँ पे देखिए लंच बनाने की भी सारी तैयारी करके रखी है मैंने। और आज भिंडी की सब्ज़ी बनने वाली है तो भिंडी भी धोकर सुखाने के लिए रखी है और दाल चावल का कुकर भी रख दिया है। तो अभी चलिए मैं हार्दिक को नाश्ता दे देती हूँ। तो अभी 11:30 बज चुके हैं और ये देखिए आज तो मेरा लंच भी फटाफट से बनके तैयार हो गया, क्योंकि हार्दी जो है 10:30 बजे तक सोती रह गई और अभी तक के नहीं नहाई है, सिर्फ उसने आलू का पराठा खाया और नाश्ता कर लिया है अभी उसने। तो मुझे अभी उसे नहलाना है, रेडी करना है और इसीलिए मैंने फटाफट से सारे काम निपटा लिए थे तो लंच भी बना डाला। अभी सिर्फ सब्जी का तड़का लगाना है और उसके लिए भी मसाला जो है वो तो बन के रेडी ही है, जो मैंने भरवा आलू बैंगन की सब्जी में डाला था वही वाला मसाला जो बचा के रखा है उससे अभी भिंडी की सब्जी भी बन जाएगी। तो दाल चावल हो गए थे मेरे, साथ में सैलेड की कटिंग हो गई है और फिर हार्दिक के पापा आ जाएंगे, उसके बाद में थोड़ी सी रोटियां बना लूंगी। तब तक की जो भी मेरे बचे हुए काम है, यानी कि हार्दिक को रेडी करना और थोड़े बहुत काम है, वो कर लूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे भिंडी का तड़का लगाने के लिए मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है और ये देखिए हरा लहसुन भी काट के रख लिया है। तो अभी जो है मैं इसमें ज़ीरा और हींग डाल के भिंडी का तड़का लगा लूँगी और भिंडी के साथ में मैंने थोड़े से आलू के चिप्स भी डाले हैं और हरा लहसुन भी इसमें ऐड कर लेंगे। और अभी जो है इसमें मैं भिंडी का तड़का लगा दूँगी और बस इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे।
ये देखिए यहाँ पे भिंडी जो है वो थोड़ी सी गल गई है, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी ताकि आलू को लग जाए उतना सा। और वैसे तो मसाला जो है उसी में नमक भी डला हुआ है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और अभी थोड़ी देर के लिए इसको और पका लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है भिंडी अच्छे से पक चुकी है, तो उसके बाद में हम लोग इसमें मसाला ऐड कर देंगे। और इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सारे मसाले पहले से ही डाले हुए हैं, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला सब कुछ इसमें डला हुआ है। तो बस अभी इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे तो हमारी मसाले वाली भिंडी भी बनके तैयार हो जाएगी। डेंटिस्ट और डेंटिस्ट कौन बना है तुम? और आपको दांत निकलवाना है स्तुति? भैया एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी जो है ट्यूसडे मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अभी कल की ही वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल लंच के बाद से मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। मैंने सोचा था कि दोपहर में हार्दी और स्तुति दोनों को थोड़ी देर के लिए सुला दूंगी और उसके बाद से इवनिंग में मैं जो है अपनी वीडियो कंटिन्यू करूंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। दोनों ने सोने में ही इतनी देर लगा दी और उसके बाद में शाम को भी मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई, तो इसीलिए जो है मैं अभी से अपनी वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी जो है हार्दी बाहर अपनी क्लास अटेंड कर रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ से आपको अपडेट दे रही हूँ। और हम लोग अभी ना कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे फटाफट से लंच बनाना है। और ये तो ये देखिए यहाँ पे लंच बनाने की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो केबेज का संभारा बनेगा, मेथी की सब्जी बनेगी, आलू मटर की भी सब्जी बनेगी और पुलाव के लिए जो है मैंने सब कुछ मतलब कि प्याज, टमाटर, गाजर, हरी मटर ये सब कुछ कट करके रख लिया है। और अभी यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले आलू मटर की सब्जी का तड़का लगा लेती हूँ। और देखिए मैंने तीनों गैस पे ना सब कुछ रख दिया है बर्तन मतलब कि, तो यहाँ पे मैं जो है आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। बीच में जो छोटा बर्तन रखा है उसमें संभारा बनेगा और उसके पास में भी एक कुकर रखा हुआ है जिसमें कि पुलाव राइस बनेगा।
stay afloat. It's noisy. Be a person you don't want. Can somebody save me of the thing I'm going to do? Going to do. तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ बनके तैयार हो गया है। बस अभी सिर्फ मेथी की पाची बनानी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे तेल गरम होने रख दिया था, जिसमें जीरा, हींग और हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे और हरा लहसुन इसमें ऐड कर लेंगे और जो मेथी हमने धो के रखी है बारीक काट के वो इसमें ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तुरंत ही मेथी की भाजी जो है गल के कितनी थोड़ी सी हो गई। और अभी इसमें यहाँ पे मैं थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट भी ऐड कर दे रही हूँ और फिर सारे मसाले कर लेंगे, जैसे कि मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सब कुछ इसमें ऐड कर लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है और अभी थोड़ी देर के लिए भाजी को ना पकने देंगे। और ये देखिए भाजी जो है अच्छे से पक गई है। तो अभी इसमें मैं थोड़ी सी शक्कर ऐड कर लूँगी और फिर थोड़ा सा बेसन ऐड कर लेंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए हमारी बेसन वाली भाजी बन के तैयार हो गई है और इसी के साथ ही साथ में मेरा सारा आज का खाना भी बन के तैयार हो गया है। देखिए हार्दी भी रेडी हो चुकी है और हम लोग निकलने के लिए रेडी हो गए हैं। पैकिंग भी हो गई क्योंकि आज रात वहीं पे रुकने वाले हैं, पर कहाँ ये तो नहीं बताया। तो हम लोग जा रहे हैं गोंडल, इनकी चाचा जी के यहाँ पे जा रहे हैं और बाकी की सारी डिटेल जो है वो मैं इससे पहले आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इसके बाद में जो आने वाली वीडियो है वो जरूर से देखना। और बस आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं और मिलते हैं अपने अच्छे से नए वीडियो ब्लॉग के साथ में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, सबको बाय बाय बोल दो। बाय। और मिलेंगे कहाँ पे, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? गोंडल। कहाँ मिलेंगे अब? गोंडल गोंडल में मिलेंगे।